हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मैजिकल मिथ्स और आज मेरे साथ चलिए मदुरई, द कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु एंड आल्सो नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज, मैग्निफिसेंट टेंपल्स एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल्स। रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हमारा मदुरई का सफर स्टार्ट होता है बस के द्वारा। रामेश्वरम से मदुरई का डिस्टेंस 170 किलोमीटर है और यह दूरी हमने 3.5 घंटे में तय की और उसके बाद हम पहुंच गए फेमस MGR बस स्टैंड पे, जो तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बस टर्मिनस है। यहाँ स्पाइस मंत्रा नामक एक रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद हमने टैक्सी बुक किया वन डे ट्रिप के लिए मदुरई के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए, जिसका कॉस्ट हमें अराउंड 4700 रुपीस आया। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मैजिकल मिथ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहुंचे गांधी मेमोरियल म्यूजियम में, जो देश के 5 महान गांधी संग्रहालयों में से एक है, जो गांधी जी के जीवन को दर्शाते हैं। इस म्यूजियम में एंट्री टिकट 50 रुपीस पर पर्सन है। यह म्यूजियम इंडियन हिस्ट्री और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े स्मृति चिन्हों का भंडार है। इस म्यूजियम का सबसे रोमांचक हिस्सा है वह खंड जिसमें गांधी जी के पर्सनल लाइफ की 124 दुर्लभ तस्वीरें हैं, जिनमें उनके बचपन के दिनों से लेकर उनके शमशान ले जाने तक के विभिन्न चरणों को दिखाया गया है। इस म्यूजियम में आप नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या किए जाने के समय गांधी जी द्वारा पहने गए खून से सने परिधान और एडोल्फ हिटलर को लिखे गए पत्र भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम म्यूजियम टूर्स, यहां आप म्यूजियम द्वारा आयोजित डिफरेंट क्लासेस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, लाइक योगा एंड मेडिटेशन सेशंस, हिंदी एंड संस्कृत टीचिंग प्रोग्राम्स एंड समर कैंप एक्सेट्रा। हमें यहाँ पर ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी मिले, जो गांधी मेमोरियल म्यूजियम घूमने और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी बातों को जानने आए थे। मेन बिल्डिंग के पास ही एक और गवर्नमेंट म्यूजियम है, जहां पर आप विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां देख सकते हैं, जिसका एंट्री कॉस्ट 5 रुपीस पर पर्सन है और साथ ही साथ आप यहां से अपने लिए पुस्तकें और स्मृति चिन्ह भी खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, म्यूजियम देखने के बाद हम पहुंचे मदुरई के एक फेमस टूरिस्ट प्लेस थिरुमलाई नायक्कर पैलेस में, जिसे 1636 में राजा थिरुमलाई नायक द्वारा बनाया गया था। इस पैलेस का एंट्री टिकट 10 रुपीस पर पर्सन है और अगर आप मोबाइल ले जाना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट 30 रुपीस है, जबकि वीडियो कैमरा का कॉस्ट 100 रुपीस है। बच्चों के लिए एंट्री टिकट 5 रुपीस पर पर्सन है और फॉरेनर टूरिस्ट के लिए 50 रुपीस पर पर्सन है। यह पैलेस सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, यह महल राजा थिरुमलाई नायक का रेसिडेंस था और आज जो आपको दिख रहा है उससे लगभग 4 गुना बड़ा था। फ्रेंड्स, इस पैलेस में टोटल 248 पिलर्स हैं और इस पैलेस के आंगन में बैठकर आप शानदार लाइट एंड साउंड शो को भी एंजॉय कर सकते हैं।
पैलेस इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, नेमली स्वर्ग विलासा एंड रंग विलासा. इन दीज टू पार्ट्स देयर आर वेरियस सेक्शन ऑफ रॉयल रेसिडेंस, थिएटर, अपार्टमेंट्स, रॉयल बैंड स्टैंड एक्सेट्रा. इन शॉर्ट, ए मस्ट विजिट प्लेस इन मादुराई. सामने है मरियम्मन तिप्पाकुलम. भगवान विघ्नेश्वर के सम्मान में निर्मित यह दिव्य मंदिर मीनाक्षी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है. मंदिर के परिसर में एक विशाल टैंक है और यह तमिलनाडु के क्षेत्र में सबसे बड़ा टैंक होने का रिकॉर्ड रखता है. तालाब में साल भर पानी रहता है और कीर्तियों के अनुसार मंदिर में स्थापित मूर्ति भी टैंक के नीचे से ही प्राप्त की गई थी. दोस्तों, करीब 4 बजे हम पहुंच गए दक्षिण भारत को कल्चरल पैराडाइज बनाने वाले कई अट्रैक्शन में से एक मोस्ट पॉपुलर और आइकॉनिक मीनाक्षी टेंपल में, जो भगवान शिव और देवी मीनाक्षी को समर्पित है. फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर छाता, लाठी, पर्स, बेल्ट जैसी चीजें ले जाना अलाउ नहीं है. इसके साथ साथ आप कैमरा या अपना मोबाइल फोन भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं. आप इसे पास ही बने लॉकर रूम में जमा कर सकते हैं. मंदिर में महिलाएं साड़ी, सलवार कमीज, दुपट्टा के साथ पहन सकती हैं, जबकि पुरुष शर्ट, कुर्ता, पजामा, धोती और पैंट भी पहन सकते हैं. नो जीन्स, शॉर्ट्स और वेस्टर्न ड्रेसेस आर अलाउड इनसाइड द टेंपल. मंदिर में सालों भर भक्त दर्शन करने आते हैं. इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप जब देवताओं की मूर्तियों को देखने के लिए आंतरिक गर्भगृह में जाएं, तो आपको घंटों लाइन में लगना पड़ सकता है. लेकिन इससे बचने के लिए आप चाहे तो मंदिर में विशेष दर्शन टिकट अवेलेबल है, जिनकी कीमत देवी मीनाक्षी की मूर्ति को देखने के लिए 50 रुपए और दोनों देवताओं को देखने के लिए 100 रुपए है. फ्रेंड्स, अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर टेंपल इज एन एपिटोम ऑफ क्लासिकल आर्किटेक्चर. इसके चारों तरफ बने मूरल्स इतने गॉर्जियस हैं कि जिनको देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी. इस मंदिर में 14 गोपुरम के साथ एक हॉल है जिसमें 1000 खंभे हैं और सुनहरे कमल के साथ एक पवित्र पूल है जहां आप रिचुअल बाथ ले सकते हैं. दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती को समर्पित है, जिसे मीनाक्षी और उनके पति को सुंदरेश्वर शिव के रूप में जाना जाता है. यह मंदिर देश के बाकी मंदिरों से काफी अलग है, क्योंकि इस मंदिर में शिव और देवी पार्वती दोनों की एक साथ पूजा की जाती है. फ्रेंड्स, मीनाक्षी मंदिर में भक्तों के ठहरने के लिए एकोमोडेशन भी अवेलेबल है. यहाँ 3 लॉज हैं जिनके नाम है बिरला विश्राम, सुंदरेश्वर इलम और बक्थरंगल थंगम विधुती, जो वेस्ट चित्रई स्ट्रीट पर स्थित हैं. आप चाहें तो यहाँ बजट होटल भी बुक कर सकते हैं आसपास रुकने के लिए. फ्रेंड्स, मीनाक्षी मंदिर में दर्शन के बाद हम चल पड़े मदुरई से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलगर कोइल मंदिर, जिसे अजगर कोविल के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है तथा पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु भगवान सुंदरेश्वर और देवी मीनाक्षी के दिव्य विवाह के लिए आए थे. दुर्भाग्यवश विवाह उनके आगमन से पहले ही हो गया, जिस कारण वे वैगई नदी के तट से वापस लौट आए. यह मंदिर वह स्थान है जहां भगवान विष्णु के एक रूप भगवान अजगर निवास करते हैं.
जो देवी मीनाक्षी के भाई हैं, मंदिर में कल्याण सुंदर वल्ली का भी मंदिर है जो भगवान अलगर की पत्नी हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन कैमरा आदि ले जाना अलाउड नहीं है, साथ ही साथ निशुल्क जूते रखने की भी व्यवस्था है। इस मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय है चिथिराई महोत्सव जो अप्रैल या मई के महीने में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मदुरई को लोटस सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस सिटी का आकार कमल के फूल के जैसा है। और इसी सिटी को घूमते हुए हम पहुंच गए त्रिपुरन कुंडलम मुरुगन मंदिर, जो भगवान मुरुगन के 6 प्रमुख मंदिरों में से एक है जिन्हें सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान मुरुगन ने देवसेना से विवाह किया था जो भगवान इंद्र की बेटी थी। यही कारण है कि यह मंदिर विवाह के लिए सबसे शुभ स्थानों में से एक माना जाता है। चट्टान को काटकर बनाए गए इस मंदिर में भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, भगवान विनायक और अन्य प्रमुख हिंदू देवताओं के मंदिर हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। यह मंदिर अपनी एक खास विशेषता के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्तियां एक दूसरे के सामने है, जो एक अनोखा पहलू है। इस मंदिर में सूर्य और चंद्रमा को भी एक साथ देखा जा सकता है, जो भक्तों के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। फ्रेंड्स, अगर आप तमिलनाडु ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मदुरई एक अनमिसेबल डेस्टिनेशन है। यहाँ आने के लिए आप बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। मदुरई में अपना एयरपोर्ट है, साथ ही साथ आप चेन्नई से भी बाय ट्रेन और बाय बस मदुरई आ सकते हैं। मैजिकल मिथ्स के खूबसूरत सफर में आप जुड़े रहिए। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, तथा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मैजिकल मिथ्स को सब्सक्राइब कीजिए।